सुबह बनारस और जलेबी कचौड़ी का नाश्ता और बतकही, ये बनारस की खासियत है। तो हम भी पहुंच गए हैं मशहूर कचौड़ी जलेबी की दुकान पर बात करने के लिए कि एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो एग्जिट पोल दिया है उसमें रिजल्ट क्या है, लोगों से बात करते हैं। साहब ये बताइए कि जो एग्जिट पोल हमारा है उसमें तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी जी तो आने ही वाले थे लेकिन अभी 400 पार होगा कि नहीं एग्जिट पोल पे वो समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज अभी काफ़ी न्यूज़ में आ रहे आंकड़ा 350 के आसपास है, कुछ बोल रहे 320 के आसपास है, तो अभी जो भी होगा अभी थोड़े दिन में 4 तारीख को पता चल जाएगा कि 400 पार हो रहा है कि नहीं। 353 से 383 सीट एबीपी न्यूज सी वोटर दे रहा है, भाई साहब आप सहमत हैं? जी जी पूरी तरह से सहमत हूँ। सहमत है एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। जी जी क्यों भैया? हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर जलेबी के साथ, कचौड़ी के साथ, एकदम सुबह का नाम। इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आएगा, पक्ष में आएगा। क्या नाम है आपका भैया? अबुल हसन। अबुल हसन साहब, तो आप मान रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार? यस जरूर। अच्छा जी, यानी जो एग्जिट पोल हमारा है ना, काम बोलता है, बनारस में देख लीजिए आप, पहले था बनारस है सर, अभी बनारस बनारस है ना। आप बाहर से हैं, आपसे पूछ लीजिए बनारस में क्या लगा आपको। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब आप भी मान रहे हैं कि एक बार मोदी सरकार? जी 100%। इसमें कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। हाँ फिर क्या है? वही तो नारा है, नारा है, वही स्लोगन आज भी चल रहा है। वही नारा आज भी चल रहा है एक बार फिर। जी क्यों भाई साहब? ये बताइए कि जो एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल है उसमें 353 से 383 सीट बीजेपी एनडीए सब दिख रहा है। जी एकदम सही दिख रहा है, और ये जो नतीजा है ये हम लोगों के उम्मीद पे खरे उतरते हुए ये नतीजा आया हुआ है। हाँ ये नतीजा, ये तो हम लोग पहले से ही मान रहे थे कि एक बार फिर मोदी सरकार, उसी पे ये सब चल रहा है। बहुत हम लोग को खुशी है, उसी खुशी में ये कचौड़ी जलेबी, मैं सिंगरौली एमपी से आया हूँ और मैं उसी खुशी में मैं ये कचौड़ी जलेबी मैं खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, और ले लीजिए। क्यों भाई साहब? हाँ जी सर, क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल है हम लोगों का सही है ना? बिल्कुल सही है जी, इस बार है ना, बिल्कुल सही है जी, इस बार मोदी ही आएगा और कोई जो चेहरा है ही नहीं इनके पास, मोदी के अलावा कोई नहीं। एनडीए को भारी भारी बढ़त है, इससे भी ज्यादा होगी सर, इससे भी ज्यादा होगी। अच्छा मैडम आप बताइए। अरे ऐसा नहीं होगा मैडम, क्यों आप भी कचौड़ी जलेबी, ये देखिए आपने भी मतदान किया है, एग्जिट पोल हमारा बता रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। हाँ एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी सरकार को आना ही पड़ेगा, आएगी वो मोदी सरकार। अच्छा हाँ, बंगाल हो आप, बंगाल से आएंगे क्या? नहीं हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से भी तो चाहे हर जगह है वहाँ बढ़त दिखाई दे रहा है। हाँ दिल्ली से ही मोदी सरकार ही आएगी, बीजेपी ही को ही आना है, उनको ने काम करा इसलिए वो आएंगे। केजरीवाल का ऐसा कुछ है नहीं और इस कांग्रेस को तो बिल्कुल है ही नहीं, कांग्रेस पहले थी 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, अब कांग्रेस है नहीं। थैंक यू, बढ़त है पूरी। हाँ 101%। जलेबी खाएंगे? नहीं नहीं खा ली। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। मैडम ये बताइए कि कचौड़ी जलेबी बढ़िया है ना? तो एग्जिट पोल बता रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार, ऑप्शन ही नहीं है, मोदी सरकार ही आएगा। अच्छा ऑप्शन ही नहीं है? ऑप्शन भी नहीं है, मोदी सरकार ही। हम तो वैसे महाराष्ट्र से हैं, घूमने के लिए आए हैं, वाराणसी पूरा भी ठीक ठाक बढ़त है। हाँ शायद तो एनडीए की सरकार बन रही है। हाँ बन तो रही है। हाँ रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, बट एग्जिट पोल में जो होता है वो तो सही होता है वैसे तो, है ना, लगभग लमसम वही मामला आता है। हाँ, आता है। अभी तक जो देखा है वो तो वैसे ही आता है। क्यों भाई साहब आप बताइए? नहीं हमारे लिए तो सरप्राइज है जो एग्जिट पोल आया है, कि जो हम मीडिया में पढ़ रहे थे या सुन रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि इस बार मोदी सरकार को थोड़ा सा चैलेंज होगा, बट अभी जब एग्जिट पोल में आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड ये है एनडीए का, ये सरप्राइजिंग है। अगर रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस है। हाँ यूपी का भी अच्छा खासा दिख रहा है, जबकि ये था प्रेडिक्शन ये था कि 50-50% जाएगा, बट अभी तो 60 के ऊपर तो यूपी में दिखा रहे हैं आप लोग।
तो है तो मतलब सरप्राइज है तो है, क्यों सरप्राइज है? अब की बार तो 400 पार के नारे थे ना, वो तो नारा लगाने को कुछ भी लगा सकते हैं, 400-500 कुछ भी बोल दो, उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं थी बिल्कुल। आप किसका उम्मीद कर रहे थे? इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन में भी दम नहीं है, वो तो फ्रेगमेंटेड है। तो मेरे हिसाब से फिर भी जो क्योंकि कुछ असंतुष्ट था थी लोगों में, तो 250-350 के अंदर सिमट जाएगी। अच्छा, ऐसा संतुष्ट मान रहे थे आप? क्यों भाई, नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, जलेबी कचौड़ी बनारस का जो ये सब ये शोभा है एक तरीके से, सुबह सुबह का नाश्ता है, अब बहुत खूबसूरत नाश्ता है और प्रसिद्धि भी है, चाहे 5 स्टार हो चाहे हर जगह ये सब मिलता। आप बताओ कि ये जो आप जायका ले रहे हो, जो एग्जिट पोल आया है उसमें तो फिर एनडीए की सरकार बन रही है? हाँ, वो तो बनी रही है। आप पहले से मान रहे थे क्या? हाँ ऑब्वियस था, क्योंकि अभी भी वही नैरेटिव चल रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उसी को वोट करेंगे, यही चीज। मोदी नहीं तो कौन यही चीज, राहुल है, अखिलेश है, ममता है, स्टालिन लीडर नहीं है, मासेस कनेक्ट नहीं कर पाते ना ही राहुल से ना ही अखिलेश से, और फिर उन लोग में भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उनका पीएमओ कैंडिडेट बनेगा कौन। तो इस समय एक ही है, मोदी जी, और कौन? मोदी जी। वाह भाई वाह। चलिए इन लोगों से पूछते हैं। चाचा प्रणाम, नमस्कार। ये सुबह सुबह बनारस का नाश्ता ठीक लग रहा है ना? जायका एकदम बढ़िया ना? ये बताइए, जो एग्जिट पोल आया है उसमें तो मोदी जी फिर तीसरी बार, मोदी जी जो हैं ये कमल के फूल खिलाएंगे और सारे देश में और विश्व में ये शांति लाएंगे। इस समय जनता जाग गई है, हमारा सनातन धर्म इस समय इस चरम सीमा पर है और देश को बहुत आगे ले जाएगा। सारे देश में, सारे विश्व में इस समय जो अशांति फैली हुई है, युद्ध का माहौल है, इसमें हमारा भारत शांति लाएगा और नेतृत्व करेंगे हमारे दामोदर दास, नरेंद्र दास मोदी। वाह, आप तो एकदम फैन है उनके लग रहा है। फैन क्या है, हम उसके फैन हैं जो देश के लिए काम कर रहा है, 18 घंटे हमारे लिए काम करता है वो, और कई सालों से काम कर रहा है, इसने आज से एक छुट्टी नहीं ली, इसलिए हमें गर्व है ऐसे व्यक्ति पर जो आज निचले स्तर तक। मुझे लग रहा है कि हम लोग जो एग्जिट पोल में 400 से कम दे रहे हैं, आपको लगता है कि 400 पारे हो जाएगा? बिल्कुल 400 के पार होगा, ये विश्वास है और ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है, और इस समय जो युग चल रहा है इस समय यहाँ का इनका पार होना बहुत जरूरी है। पार होना जरूरी भैया, ये आपके पिताजी ने तो गजब कुछ बोल दिया। एग्जिट पोल दादाजी बताइए, तो ये एग्जिट पोल जो आया है, जरा जरा घूम लीजिए, तो ये बताइए माहौल, आपको अनुमान था कि फिर मोदी सरकार बनेगी? जी, उनका उनका जैसे जिस प्रकार का उनका उन्होंने ऐसा कार्य किया है, तो इससे आम जनता का विश्वास और मनोबल उनका और उठ गया। हाँ, जिसके कारण उन्हें सत्ता बनानी थी इस बार भी, और पूरा गर्व है कि मोदी जी इस बार फिर से 62-66 यूपी में फिर इस बार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। ये मेरा ही नहीं, ये भारत की लगभग 90% जनता का विश्वास है, और मोदी जी आएंगी तो ही इस विश्व का कल्याण है, क्योंकि जिस हिसाब से अशांति और युद्ध चल रहे हैं पूरे विश्व में, सब शांति है। मैडम ये बताइए, कचौड़ी जलेबी तो स्वादिष्ट ही है, ये मोदी सरकार एक बार फिर एग्जिट पोल कह रहे हैं? बिल्कुल, इस बार फिर से मोदी सरकार। ऐसा क्या है भाई कि तीसरी बार मोदी सरकार? जितनी चीजें जो हम लोग जो सेफ फील करते हैं, जो भी चीजें आप कहेंगे वो सिर्फ मोदी राज्य में ही है, योगी जी और मोदी जी की वजह से ही है, जो हम लोग रात को भी कहीं निकल सकते हैं तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं कि आप सेफ हो, मतलब सेफ है, सुरक्षित है, महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था, सभी बच्चे भी अगर बाहर होते हैं तो आपको डर नहीं होता है कि बच्चे बाहर है, देर रात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको मालूम है कि सेफ है, सब चीज ठीक चल रही है। इस चीज से महिलाओं ने जम के मतदान किया, इसीलिए एग्जिट पोल तीसरी बार बता रहा है। बिल्कुल, इसीलिए बता रहा है और होना भी चाहिए मोदी जी को, यूपी में फिर 62-66 तक, बिल्कुल एकदम फिर से होना चाहिए, मोदी राज्य फिर से होना चाहिए, क्योंकि जितनी सुविधाएं और फैसिलिटीज जितनी भी बढ़ रही है सब उन्हीं की वजह से है। अच्छा, चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। बताओ भैया, एक
अरे तो आप बताओ ना, एग्जिट पोल में तो फिर मोदी सरकार। हाँ, बिल्कुल मोदी सरकार आएगी सर, बिल्कुल आएगी ना, 100% आएगी, 400 के पार। 400 पार। न्यूज वाले सबसे पूछते रहते हैं, न्यूज वालों को थोड़ा सा डाउट है क्या? न्यूज वाले सबसे पूछते रहते हैं कि कौन आएगा कौन आएगा। न्यूज वालों को भी डाउट है क्या? अरे आपको डाउट नहीं है ना? हमें तो कोई डाउट नहीं है, मोदी के अलावा और कौन चेहरा है इनके पास? चलिए भाई, और लोगों से भी पूछ लेते हैं। बताइए भाई साहब, नमस्कार। ये सब गरम जलेबी कचौड़ी सब बढ़िया है, स्वागत है। मैडम ये बताइए, एग्जिट पोल में तो फिर मोदी सरकार 353 से 383 है, आना ही चाहिए उनको, उन्होंने इतना अच्छा काम करा है तो आना ही चाहिए, उन्हीं को ही आना चाहिए। और क्या, कॉन्फिडेंट है पूरी 101%। एग्जिट पोल का रिजल्ट है, वही एग्जैक्ट रिजल्ट भी निकलेगा। निकलना ही चाहिए, निकलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना काम करा है। हम लोग तो यहाँ रहते नहीं है और रह भी रहे थे, मैं यहीं की हूँ, फिर हमने देखा है जितना काम इतने सालों में हुआ है। क्योंकि आने से पहले यहाँ से गाजीपुर जाने में हालत खराब हो जाती थी, अब ऐसे 1 आवर के अंदर 40 मिनट्स के अंदर चले जाती हूँ मैं, और हम लोग बाहर रहते हैं, मायके पहुंच जाती हैं। मतलब मायका बनारस में है, ससुराल अलग जगह है, मतलब यहाँ गाजीपुर भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन हम लोग मतलब चेंजेस फील करते हैं, हर साल आते हैं और हर साल चेंजेस फील करते हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो चेंजेस है, इसी वजह से जो सरकार है चेंज नहीं हो रही है। हाँ, नहीं हो रही है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसी को तो हम लेके आएंगे ना। जो काम जिसको हमको दिख रहा है, हर जगह साफ सफाई, घाट पहले कैसे होते थे, अभी घाट अच्छे हो गए, तो जो साफ सफाई सब चीज हो रही है उन्हीं की वजह से तो हो रही है। भाई साहब ये बताइए कि एग्जिट पोल कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार, एनडीए की सरकार और बहुत बहुमत के साथ मोदी सरकार विल कम डेफिनेटली, बिकॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड अचीवेबल थिंग्स ही डन। सो आई नॉट थिंक, आई थॉट डेफिनेटली मोदी विल कम। बहन जी, अरे मोदी जी फिर बोलबाला चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि कल का जो चुनाव हुआ है उसके मुताबिक तो लग रहा है कि उन्हीं इस बार भी वही आएंगे, ऐसा लग ही रहा है। सारे यूपी वालों को कॉन्फिडेंस है कि वही आएंगे। अच्छा जी, सारे यूपी वालों को कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल बिल्कुल, यूपी में भी तो मिल ही रहा है उनको छाछट के लगभग। जी हाँ, मिल रहा है, क्योंकि उनका जो टारगेट है 400 पार, शायद हो जाए, शायद क्या होना ही है, हो भी जाएगा ऐसा लगता है। 400 पार भी हो जाएगा? जी बिल्कुल। अच्छा बहन जी, अरे आप तो अच्छा नहीं बोल पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, आप ही बता दीजिए भाई साहब उनके भी, आप उनको खाने दीजिए, आप बताइए। ये बताइए कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, आपको लगता है कि रिजल्ट वाले दिन एग्जैक्ट वही रिजल्ट निकलेगा? मुझे तो लगता है उससे भी अच्छा रहेगा। मतलब मुझे लगता है उससे भी अच्छा रहेगा, जो 2019 की फिगर थी उससे ऊपर जाएगी, 2019 से भी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। चलिए एग्जिट पोल, मैडम एक बार फिर मोदी सरकार, जो एग्जिट पोल आ रहा है, आप सहमत हैं? आपको लगता है कि मतलब ठीक है, एग्जिट पोल जो आ रहा है वो फिर एक बार मोदी की सरकार बनेगी? जी जरूर आए, लगता है बाबा का दर्शन हो गया आपका? नहीं कल करेंगे दर्शन। अच्छा हाँ, आएंगे मोदी जी। थैंक यू। मोदी जी से मतलब कॉन्फिडेंट हैं आप कि आएंगे? हाँ आएंगे ना। चलिए मैडम, अरे आराम से मैडम, ये बताइए कि एग्जिट पोल जो आया है उसमें फिर एनडीए की सरकार, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री, इस बार 400 के पार है? इस बार मोदी की सरकार 400 पार। अच्छा हाँ बिल्कुल, आना ही है। हम लोग तो मैक्सिमम 383 ही दे रहे हैं। अब हो सकते, उम्मीद पर दुनिया कायम है, होना चाहिए, लेकिन है तो उन्हीं की बनेगी, बहुमत तो उन्हीं का है। चलिए, इस मेज पे बहुत जमावड़ा हुआ है, जलेबी भी है, कचौड़ी भी है, भाई भी है, दर्शन भी है। अब ऐसा बताइए कि फिर मोदी सरकार, ये तो कन्फर्म है भाई, इसमें क्या पटना हो चाहे लखनऊ हो, पूरा देश अब की बार 400 पार, वो पहले से ही क्लियर था। खाम खा का लोग भीड़ जुटाए हुए थे इंडी गठबंधन में, निश्चित मानकर चलिए अब की बार नहीं, अगले 10 साल तक यही दशा रहेगी लोगों की। अच्छा हाँ, क्यों भाई साहब? ये तो चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह धूम मची है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। खाइए खाइए, कोई बात नहीं। हाँ भाई साहब बताइए, ठीक है
बढ़िया है, बढ़िया रिजल्ट आने दीजिए। अभी मतलब रिजल्ट तक आप विश्वास नहीं करेंगे? रिजल्ट आने दीजिए। एग्जिट पोल में तो आया पूरा माहौल, ओरिजिनल काउंटिंग होने दीजिए, ओरिजिनल होने दीजिए। बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम। बच्चा तुम भी कुछ बोलोगे? बहुत फोटो ले रहे हैं तो बताओ क्या मोदी जी आ रहे हैं फिर? हाँ, शर्ट लगा लो मोदी जी। मैडम ये एग्जिट पोल आया है, आपने भी कल देखा होगा उस, जी जी, उसमें फिर से मोदी सरकार 383 मिनिमम हम दिखा, मतलब मैक्सिमम दिखा रहे हैं 353 से लेके, आपका क्या है? मुझे लगता है कि इस बार 400 पार, 383 नहीं 400 पार। हाँ, एक बार फिर मोदी सरकार, आगे भी मोदी ही सरकार, इस बार भी मोदी सरकार, आगे भी मोदी ही सरकार। ऐसा क्या है मैडम? सर हर कोई जानता है मोदी जी ने क्या किया है, कितना किया है, और आगे भी जो भी उनकी प्लानिंग्स हैं वो मुझे लगता है कि आगे 50 साल सोच करके हैं। तो इसके बाद भी अगर कोई वोट नहीं कर रहा है तो, या कोई और प्रेडिक्शन हो रही है? आपको मान ली है कि 400 पार है? 400 पार। चलिए भाई साहब जलेबी लेते रहिएगा, मैडम लेंगी। अरे ये बताइए 400 पार मैडम कह रही है आपकी? हाँ वो तो तय शुदा बात है। अरे जल्दी भाग गई, जलेबी का बड़ा दबाव है। क्यों मैडम ऐसा दबाव डाल दिया? चलिए जाइए, स्वादिष्ट जलेबी लीजिए।